आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन में हमारे बीच में जम्मू के मेयर हरेंद्र शर्मा जी, हमारे कॉरपोरेशन में सहयोगी और कॉरपोरेटर रिशपाल वर्धवा जी, एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल के ट्रस्टी शिवांग सत्य गुप्ता जी, शिल्पी गुप्ता जी, यहां के प्रिंसिपल श्री कुलदीप राज गुप्ता जी, यहां का पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर आपका जो पूरा स्टाफ है, आप लोग तैयारी में तो लगे ही होंगे। आप लोगों के ध्यान में भी आ रहा होगा कि जब आपको पता चला होगा कि जम्मू के मेयर आ रहे हैं, डिप्टी मेयर आ रहे हैं, तो आप भी सोचते होंगे कि इनका हमारे स्कूल में, इस कॉलेज में या बाकी जगह जाते हैं तो इनका क्या काम। कॉरपोरेशन का काम तो यही है शहर की सफाई व्यवस्था पर रखना, शहर की सड़कें नालियां रोड बनाना और बाकी कामों में देखना। तो स्कूल का इस प्लास्टर को इस धरती से कैसे खत्म किया जाए, कैसे इस धरती माँ को इससे मुक्तान होता है, कब बनाया, क्यों बनाया, किसने बनाया, वो इतने सारी शोर के अब इशू है कि प्लास्टर को जो बैन किया है कैसे खत्म करें। और आपसे हम सहयोग मांगने आए हैं कि आप हमारे एम्बेसडर बनके इस प्लास्टर को धरती माँ से, जम्मू से खत्म करने में हमारा सहयोग करें। और खासकर बच्चे, और भी आप सुनते होंगे कि भारत देश एक युवा देश है, इसके 65% जब सहयोग की बात करें तो ऑटो आता है आपकी गली में, क्या है कितना दे दो, ये करो वो करो, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आई, ऑटो आता है 8 बजे तो आपने कचरा किसको देना है, जहां आप ऑटो आता है 7 बजे तो आप सोए हुए उठते हो 9 बजे, ऑटो आपकी गली से निकल गया तो फिर कचरा किसको दे। किया उनको कहा कि बच्चों आपका सहयोग चाहिए, आपके लिए भी है सुनने वाली बात, लिए कोई फिर भी वो गंदगी के लिफाफे को प्लांट में फेंक रहा है, कोई रोड के किनारे फेंक रहा है, कोई चौक में फेंक रहा है, कोई नहर पास है, चौक नहीं होगी, धरती माँ सुरक्षित रहेगी। अभी बच्चों ने बताया कि कैसे ये कचरा ओशन में जाता है, समुद्र में जाता है, कितना पॉल्यूट करता है। अब कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि 380 मिलियन मेट्रिक टन आप कचरा प्रोड्यूस करते हैं, 100 साल से लेके 500 साल तक लग जाता है। आने वाले 20-30 सालों में क्या स्थिति होगी उसका कल्पना कर सकते हो। जो आप प्लास्टिक की बोतल पकड़ते हैं, आपका तो मुझे अच्छा लगा, मैं आपको कुछ जगह तो हम गए तो जही हम गुजारिश करने आए हैं। और दूसरा, आपने जिस तरह का अरेंजमेंट किया, अच्छी प्रेपरेशन की, हमारा भी वेलकम अच्छे तरीके से किया, हमारी उम्मीद और सोच से बढ़कर आपने किया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आज से उम्मीद भी करता हूं, मुझे पूरी विश्वास है